मैं शशि आज आपके लिए सीक्रेट मसाले के द्वारा मसालेदार चटपटी अरबी की सब्जी लेके आई हूँ। दोस्तों, हर मौसम में हर सब्जी का आनंद लेना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी मिले बना के खाना जरूर चाहिए। तो आइए बताती हूँ अरबी की मसालेदार सब्जी बनाने का तरीका। अरबी की सब्जी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये अरबी ले लिए और इसे साफ करके धो लिए। कुकर में ये हम अरबी डाल देंगे और इसमें मैं 2 या 3 सीटी लगाऊंगी और सीटी लगा के उबालेंगे। सारी अरबी हम छील के रख लेंगे। ये देखिए, सारी अरबी मैंने छील दी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। सूखी सब्जी बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले गैस ऑन करा, कढ़ाई रखी, सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है सब्जी। तेल गर्म हो गया, सबसे पहले डालेंगे थोड़ा जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, लाल सूखी मिर्च और थोड़ा ये लहसुन का तड़का, लहसुन और ये कड़ी पत्ता। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बारीक प्याज भी डाल सकते हैं, कटा हुआ थोड़ा सा, और पिंच भर हींग, हींग भी डाल दिया, और थोड़ा सा ये अजवाइन। ये अजवाइन मैंने हाथों से क्रश कर लिया था, थोड़ा सा आधी चम्मच अजवाइन भी। अजवाइन का बहुत अच्छा स्वाद आता है। जब तक तड़का हमारा तैयार हो रहा तब तक हम डालते हैं मसाला, तैयार कर लेते हैं। हल्दी पाउडर थोड़ा सा, ये है कश्मीरी लाल मिर्च और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ। धनिया थोड़ा और डाल देंगे, आधी चम्मच। तो पानी डाल के अच्छा सा मिला लेंगे। तड़का हमारा बिल्कुल ब्राउन हो गया, देखिए प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो गए। अब हम इसमें डाल देंगे मसाला, स्वाद अनुसार नमक। मसाला पक तो गया, थोड़ा और पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए मसाला। और बेहतरीन स्वाद के लिए देखिए कसूरी मेथी। अब डालेंगे 1 कुटा हुआ अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला पाउडर। बहुत अच्छी खुशबू, देखिए मसाला अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छी खुशबू ये हमारी मसाले में आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये अरबी। अरबी को आप तल के भी डाल सकते हैं, मगर मैं इसे ग्रेवी वाली नहीं, सूखी बनाऊंगी, तो इसे बिना तले भी हम बना सकते हैं। और हम इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, ये भी बताऊंगी मैं आपको सब्जी के एंड में जब अच्छे से पक जाएगी। इसे 5 मिनट हम अच्छे से ढक के पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो गए और मसाला अच्छे से इसमें मिल गया। देखिए अच्छे से अरबी ने अच्छे से मसाला को ऑब्जर्व कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे हम ये 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस। और सीक्रेट मसाले की बात करूँ तो ये मैं डालूँगी एंड में अब चाट मसाला। ये डाला हमने चाट मसाला, इससे हमारा अरबी की सब्जी का स्वाद दुगना से बहुत अच्छा स्वाद हो जाता है, ताकि इसमें हम आराम से पूड़ी या पराठे खा सकें। तो ये रेडी हो गई हमारी ये अरबी की सब्जी बन के तैयार। दोस्तों आप भी ज़रूर बनाइएगा और लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आज आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी मसालेदार ये अरबी की सब्जी। दोस्तों जिस सीजन में जो सब्जी होती है उसे बना के खानी जरूर चाहिए। हर मौसम में हर सब्जी का स्वाद लेना चाहिए। और ये मैंने बनाया है कुछ सीक्रेट मसाले के साथ चटपटी अरबी की सब्जी। और आइए बताते हैं इसको कैसे बनाया है।